बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने पहले जो वीडियोस बनाई थी ग्लूपा टोन और ड्रीम वाइट के जो क्रीमें तैयार की थी, हमने उसमें एक डाला था ग्लूपा टोन का पैकेट और दो क्रीमें डाली थी होमियो क्योर की या फिर ड्रीम वाइट की डाल के इसको तैयार किया था और आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाया और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इनके इतने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिल रहे हैं कि यकीन जाने के पूरे पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट्स की धूम पड़ी हुई है। ये देखें, ये सब कस्टमर्स के आर्डर हैं जो मैंने कुछ तो भेज दिए हैं और कुछ जो भेज रही हूँ। इतने ज़बरदस्त कमाल का रिज़ल्ट है, आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको इसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर जो मेरी प्यारी बहनें हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इसको यूज़ करने में, कि उनको बात तो कहती हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और कुछ जो कहती हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे चेहरे के ऊपर एक्ने है तो हम क्या इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज मैं आपको सब बताऊँगी। पहले तो बात कर लेते हैं ड्रीम वाइट की। ये जो ड्रीम वाइट सोल्यूशन है ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या होगा, अगर तो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है ना तो आपने जब इसको यूज़ करना है तो अपना रगड़ना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये कि वैसे अगर नॉर्मल स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं हाथ के ऊपर आपने ये इसको इस तरीके से लेना है। लेने के बाद ये देखें ऐसे करने और चेहरे के ऊपर ऐसे कर, ये देखें ऐसे करना, आराम से आपने लगाना, ठीक है। कोई भी आपने इसमें रगड़ पैदा नहीं करनी ऐसे, लेकिन लगाना आपने हर जगह पे ऐसे करके ना, कोशिश करें कि ये सारा आपकी स्किन के ऊपर ना लग जाए। जब आप चेहरे के ऊपर जब लगाएंगे ना इस तरीके से तो आपके हाथ के ऊपर ये लगा होगा, फिर आपने अपने हाथों के ऊपर भी इस तरीके से लगा लेना, हाथ के ऊपर थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। अच्छा, इसको लगाने के बाद ना इसने अपनी छिपछिपाहट नहीं रखनी, ये स्किन के ऊपर ड्राई हो जाएगा ऐसे ही, पंखे के नीचे 2 से 3 मिनट बाद ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसको छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए, छोड़ दे, दिन में एक टाइम लगा लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये आप जब एक बार ले लेंगे तो काफ़ी देर आपका 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इतने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे। जाहिर है आप लोगों ने इसको लिया होगा, परचेज़ किया होगा, आपको रिजल्ट भी मिले होंगे, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको इस तरीके से यूज़ करना है तो आपने लगानी है। अगर क्रीम भी आप यूज़ कर रही हैं तो आपने क्रीम को रगड़ना नहीं अपने चेहरे के ऊपर, ये बात को याद रखें। अगर आपके चेहरे के ऊपर ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो चेहरा जो है ना आपका रेड भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आपने ड्रीम वाइट को तो लगा के आप बाहर जा सकते हैं, जो दूसरी क्रीम है ना ग्लूपा टोन के अंदर मिक्स करके उसको आप लगा के कोशिश करें कि आप रात के टाइम लगाएं और सुबह उठ के नॉर्मल पानी के साथ धो लें, उसको धूप में ना ले, धूप में ना जाया करें, उससे आपकी चेहरा ना वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज़ करना है, क्रीम को रात के टाइम लगानी है और जो ड्रीम वाइट है उसको भी रात के टाइम भी लगा सकते हैं और दिन में भी एक टाइम लगा सकते हैं। आपका चेहरा जब फ्रेश हो जाएगा, फ्योर हो जाएगा ना, तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो बस आपने इसी को लगाना है, आपका चेहरा जो है ना वो वाइट दिखेगा, ठीक है। फिर भी किसी किस्म के मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको बताना था क्योंकि आप सब ने ये वीडियो तो देखी होंगी पहले, मैंने भी पहले बनाई है ड्रीम वाइट की और दूसरी होमियो की और दूसरी क्रीम्स वगैरह, लेकिन कुछ मेरी जो बहनें हैं इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैंने कहा क्यों ना उनको बता दूँ कि इनको लगाने का तरीका क्या होगा। दूसरा ये है कि आपने अपने चेहरे को जब वॉश करना है ना, तो वॉश करने के बाद आपने इसको क्लीन करना है, किसी पेपर के साथ कर लें, टॉवल के साथ नहीं रगड़े, और पेपर के साथ क्लीन करने के बाद फिर आप जो स्किन के ऊपर ये जो क्रीम है अप्लाई कर लें, और अपने चेहरे को पूरे का पूरा आपने ड्राई नहीं करना, हल्का सा नम हो तो आपने क्रीम को लगा लेना है।